आज की हमारी कहानी एक ऐसे लड़की की है जिसका नाम माइकल है और वो अपने माता पिता के साथ एक पुराने घर में सेटल होने के लिए आता है। कुछ समय बाद माइकल को ये एहसास होने लगता है कि उसके घर के पास बने शेड में कोई भूत रहता है। माइकल की बात अपने माता पिता और स्कूल फ्रेंड्स को बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। फिर एक दिन माइकल उस भूत से बात करने की कोशिश करता है, जिस पर उसे मालूम होता है कि वो भूत नहीं बल्कि एक जादुई इंसान जैसा दिखने वाला आदमी है जिसके दो बड़े बड़े विंग्स भी हैं। ये आदमी माइकल की लाइफ को कैसे बदल देता है, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कहानी के शुरू में हम माइकल को उसके माता पिता के साथ एक पुराने घर में जाता हुआ देखते हैं। ये घर माइकल के पिता ने ऑक्शन में खरीदा है। माइकल के माता पिता उस घर को लेकर बहुत एक्साइटेड दिखाई देते हैं क्योंकि माइकल की माँ प्रेग्नेंट है और जल्द ही वो बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके कारण वो माइकल पर खास ध्यान नहीं दे पाते हैं। माइकल को ये घर कुछ खास पसंद नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि माइकल टाउन के स्कूल में है और कुछ लड़के माइकल को बुली कर रहे हैं। माइकल को एक्रोफोबिया होता है, यानी ऊंचाई का खौफ, जिसकी वजह से वो स्विमिंग प्लॉट से जंप नहीं कर पाता। तभी एक लड़का माइकल को परेशान करने वालों को भगा देता है और यूं दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन माइकल अपने घर के बाहर बैठा होता है, तभी उसे अचानक एक नन्हा चूहा दिखाई देता है। माइकल उस चूहे का पीछा करता हुआ घर के पास बने एक पुराने शेड में आ जाता है। वो शेड बहुत ही डरावना होता है। इतने में माइकल को वहाँ किसी की आवाज सुना देती है। माइकल भागता हुआ अपने घर की तरफ जाता है। वो अपनी माँ को ये बात बताने ही लगता है, पर देखता है कि उसकी माँ की हालत खराब होने लगी है। माइकल परेशान होकर एम्बुलेंस बुला लेता है। माइकल की माँ एक प्री मैच्योर बेबी गर्ल को जन्म देती है, जिसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में रखा जाएगा। माइकल अपनी बहन को देखकर काफी खुश नजर आता है। घर वापस आते ही माइकल अपने पिता को शेड के बारे में बताता है, लेकिन जब वो शेड को चेक करने जाते हैं तो उन्हें कुछ नहीं मिलता। कुछ समय बाद माइकल टाउन में रहने वाली एक लड़की से उस शेड के बारे में बात करता है। लड़की की हेल्प से माइकल शेड को चेक करने जाता है। तभी वो देखता है कि शेड में एक अजीब सा आदमी है जो बहुत बीमार और बुरी हालत में है। माइकल उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है और घर वापस आकर अपने पिता को बताने ही लगा है, लेकिन माइकल देखता है कि उसका बाप बेबी की हेल्थ को लेकर काफी परेशान है और फोन पर बात करते हुए रूम का डोर बंद कर देता है। माइकल ये बात किसी को नहीं बता पाता, इसीलिए अपने स्कूल फ्रेंड से शेयर करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फ्रेंड उसकी बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि उस समय उसका मेन फोकस स्विमिंग कॉम्पिटिशन पे होता है और माइकल को भी कॉम्पिटिशन ज्वाइन करने को कहता है। स्कूल से वापस जाते समय माइकल अपनी नेबर से मिलता है जो कुछ अजीब सी है। माइकल उससे बात नहीं करता। माइकल शेड में वापस जाकर उस आदमी से हेल्प मांगता है, लेकिन वो अजीब आदमी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। अगले दिन माइकल अपने पेरेंट्स और बेबी सिस्टर से मिलने जाता है, जहां उसे ये मालूम होता है कि उसकी हालत पहले से भी खराब है। हॉस्पिटल में माइकल एक बूढ़ी लेडी से मिलता है जो माइकल को परेशान देख उससे बात करती है। माइकल उसे अपनी सिस्टर के बारे में बताता है। वो बूढ़िया माइकल को एक अंगूर देते हुए कहती है कि ये सब ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल और उसका पिता घर में खाना ऑर्डर कर रहे हैं। माइकल बचा हुआ खाना लेकर शेड में उस आदमी को दे देता है। काफी समय बाद स्वादिष्ट खाना खाकर आदमी बहुत खुश दिखाई देता है। तभी माइकल एक बात नोटिस करता है कि आदमी के बैक पर दो विंग्स हैं और शेड में जगह जगह पर विंग्स भी बिखरे हुए नजर आते हैं। माइकल हॉस्पिटल में ओल्ड लेडी को उस अजीब आदमी के बारे में बताता है। ओल्ड लेडी माइकल को उसकी हेल्प करने को कहती है और फिर से माइकल के हाथ में अंगूर देती है। फिर हम देखते हैं कि माइकल की सिस्टर और फैमिली घर वापस आ जाते हैं। वो अपनी सिस्टर को देखकर खुश दिखाई देता है और उस आदमी के लिए शेड में खाना और मेडिसिन लेकर जाता है, जिससे आदमी की हेल्थ ठीक होने लगती है। एक दिन माइकल अपने फ्रेंड के साथ खेल रहा होता है, तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसकी बेबी सिस्टर की हालत फिर से खराब होने लगी है और वो उसे दोबारा हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। माइकल ये देखकर बहुत डिप्रेस हो जाता है और अपना गुस्सा झाड़ियों पर उतारने लगता है। अजीब आदमी शेड में से माइकल को देख रहा होता है, वो भी माइकल की हालत को समझता है। इतने में माइकल की नेबर वहाँ आ जाती है और माइकल का बूट ठीक करने के लिए उसे एक लेक के पास ले जाती है, जहाँ एक पुराना टावर भी है। माइकल उससे बात करके अच्छा फील करता है। माइकल अपनी सिस्टर को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता, इसीलिए वो हर वक्त परेशान रहने लगता है। माइकल को इस बात की उम्मीद होती है कि शायद वो अजीब आदमी मेरी सिस्टर को बचाने में मदद कर पाए। माइकल उस आदमी के पास जाकर उसे अपनी सिस्टर की हालत बता देता है और ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ हैं जिनसे तुम मेरी सिस्टर को ठीक कर दोगे। लेकिन आदमी माइकल को ये बताता है कि चाहे बच्चा हो या जवान,
इस धरती की हर चीज को एक दिन मर जाना है। वो माइकल की मदद नहीं करता। माइकल दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माइकल अपने नेबर को उस आदमी से मिलवाता है। वो उस अजीब गरीब आदमी को देखकर हैरान हो जाती है। अपनी बेटी की खराब हालत देखकर माइकल का फादर परेशान रहने लगता है और शेड को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता है। माइकल अपने पिता को ऐसा करने से रोकने के लिए अपने बेड पर कूदने लगता है, जिससे कमरे की छत टूट जाती है और माइकल छत से गिरता हुआ नीचे बेड पे गिर जाता है। अगले दिन माइकल उस ओल्ड लेडी से दोबारा मिलता है। वो माइकल को परेशान देख के उसे हिम्मत देती है और बताती है कि हमें जीवन में आने वाली मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए। तभी डॉक्टर ये बताते हैं कि उसकी सिस्टर को हार्ट प्रॉब्लम है और हम उसे नहीं बचा पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि माइकल का बाप घर की सफाई करते हुए अचानक दोबारा से शेड को नष्ट करने निकल पड़ता है। माइकल के रुकने के बावजूद वो नहीं रुकता। माइकल का पिता शेड को आग लगा देता है, जबकि माइकल अपनी नेबर की हेल्प से उस आदमी को शेड से बाहर निकाल कर पुराने टावर में ले जाने में सफल हो जाता है। उस आदमी के साथ अच्छाई करने पर माइकल की लाइफ भी अच्छी होने लगती है। माइकल का फादर घर को डेकोरेट करता हुआ दिखाई देता है। माइकल के सिस्टर और माँ घर वापस आ जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। माइकल और उसके नेबर ने आदमी की खूब केयर की, जिसके कारण वो काफी ज्यादा रिकवर हो चुका है। वो आदमी उन्हें बताता है कि वो इंसान नहीं बल्कि एक क्रिएटर है और उसका नाम स्कैलिक है और मानव जाति जब से इस दुनिया पर है वो तब से जिंदा है और धरती पर ही जिंदगी बिता रहा है। फिर वो उन्हें अपने टूटे हुए विंग्स दिखाता है जो समय के साथ साथ हील हो रहे हैं और एक दिन वो वॉक करने लगता है। उस आदमी को बचाते समय आग के कारण बाइक का हाथ जल गया था। स्कैलिक माइकल और उसकी नेबर का हाथ पकड़ता है। तीनों हवा में उड़ने लगते हैं। उसके बाद दोनों मिलकर स्कैलिक के विंग्स वॉश करते हैं और उसकी हालत ठीक करते हैं। स्कैलिक अब पहले से अच्छा दिखाई देने लगता है। वहाँ से निकलते हुए माइकल देखता है कि उसका हाथ पूरी तरह से हील हो चुका है। तब उन्हें रियलाइज होता है कि स्कैलिक एक जादुई जीवित है जो ज्यादा समय तक जीवित रहने के कारण डिप्रेस और नामीद हो गया है, इसीलिए अकेला रहता है और खुद पर से यकीन खो चुका है। अगले दिन माइकल की सिस्टर के ऑपरेशन का दिन आ जाता है। माइकल भागता हुआ स्कैलिक के पास आ पहुंचता है और उससे मदद करने को कहता है, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। भावुक होकर माइकल उस ओल्ड लेडी से मिलने हॉस्पिटल आ जाता है। तब वो जानता है कि लेडी की डेथ हो चुकी है। माइकल उस लेडी के बोले हुए लफ्ज याद करता है कि अगर तुम अच्छे हो तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, इंसानियत को कभी मत भूलना। माइकल वापस स्कैलिक के पास हेल्प मांगने के लिए भागता है। माइकल का दोस्त स्विमिंग कॉम्पिटिशन हार जाता है क्योंकि माइकल वहाँ नहीं आया। परेशान होकर वो माइकल से मिलने जाता है और रास्ते में माइकल को टावर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है। वो माइकल से वजह जानने की कोशिश करता है, लेकिन माइकल उससे बताता है कि मेरी सिस्टर की जान खतरे में है। वो बाद में सब कुछ बताने का प्रॉमिस करता है। उसका दोस्त वहाँ से वापस चला जाता है। माइकल स्कैलिक को कहता है कि तुम अच्छे आदमी हो, इसीलिए प्लीज मेरी सिस्टर को बचा लो। वो फिर से इनकार करता है और माइकल कहता है, ये दुनिया होप और पेट पर जिंदा है और मैं जानता हूँ कि तुम सब ठीक कर सकते हो लेकिन करना नहीं चाहते। मैं तुम्हारा यकीन वापस जरूर लाऊंगा। ये बोलकर माइकल टावर के ऊपर से कूदने के लिए चढ़ जाता है, ये जानते हुए भी कि उसे हाइट्स का खौफ है। माइकल टावर से कूद जाता है। स्कैलिक ये देखते ही उड़कर माइकल की जान बचा लेता है और दोनों लेक के ऊपर से उड़ने लगते हैं। इस छोटे लड़के की वजह से स्कैलिक में फिर से उम्मीद जाग जाती है और वो पहले जैसा हो जाता है। स्कैलिक को एहसास होने लगता है कि दुनिया को उसकी जरूरत है। वो काफी समय तक पहाड़ों और जंगलों के ऊपर उड़ते रहते हैं। बीच रास्ते माइकल की आंख लग जाती है। माइकल को सुरक्षित जगह छोड़ने के बाद स्कैलिक माइकल की सिस्टर के पास हॉस्पिटल आ जाता है। वो माइकल की मां को जादू की मदद से सुला देता है और बच्ची को अपने हाथ में लेकर उसे ठीक कर देता है। डॉक्टर्स बेबी गर्ल को ठीक देखकर हैरान हो जाते हैं। अगले दिन माइकल की नेबर उसे जगाती है और वो अपनी सिस्टर को देखने के लिए घर की तरफ भागता है। अपनी बहन को ठीक देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगते हैं क्योंकि वो जानता है कि ये सब स्कैलिक नहीं किया है। सभी बहुत खुश दिखाई देते हैं। माइकल अपनी सिस्टर को उस ओल्ड लेडी का नाम देता है जिसने दूसरों की मदद करने और उम्मीद न छोड़ने का सबक सिखाया। सभी लोग अब एक हैप्पी फैमिली थे। माइकल अपने दोस्त से मिलता है और दोनों अपने बीच गलत फहमियों को भुलाकर वापस सेफ फ्रेंड्स बन जाते हैं। माइकल अपनी नेबर के साथ दोबारा स्कैलिक से मिलने टावर पर जाता है। वो स्कैलिक को उसकी फेवरेट वाइन और खाना देकर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। माइकल उन्हें बताता है कि अब जाने का समय आ चुका है। तुमने मुझे मेरी उम्मीद वापस दी है जिससे मैं दोबारा से मानव जाति की हेल्प करूंगा। दुनिया को मेरी जरूरत है। और इस तरह दोस्तों ये फिल्म हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए ताकि ऐसी ही कमाल की मूवीज हम आपके लिए लाते रहे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। बाय बाय।